ये हमारी आज नियंत्रित भी हम कर पाए हैं, हम लोगों को बचा भी रहे हैं, नई नई चीजों पर हम लोग हमेशा काम कर रहे हैं, उसमें सफलता हासिल करते जा रहे हैं, तो इससे बड़ी गौरव की बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर साहब जो बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके सफल नेतृत्व में हम सब लोग राजस्थान को कोविड से बचा पा रहे हैं, और जो गंभीर प्रकृति के मरीज हैं उनको आने वाले समय में प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से हम बचा पाएंगे, इस उम्मीद के साथ एक बार फिर आप सब लोगों को बधाई। और आप इस आपके जो नया प्रयोग आप करने जा रहे हैं एसएमएस में, इसमें भी आपका अचीवमेंट 100% रहेगा, ये मेरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फाइंडिंग उनसे काफी मैच करती है, तो सर आपको अच्छा लगेगा कि आज की एवरी डे सर करीब 20 लोगों का पल्मोनरी एंजियोग्राफी होता है, वो एक बड़ा लंग्स की अल्ट्रासोनोग्राफी भी तो कर रहे हो आप? हाँ सर, लंग्स की अल्ट्रासोनोग्राफी भी कर रहे हैं, वो बहुत यूनिक है सर, बहुत कम लोग कर पाते जो हमारे यहाँ हो रही है सर, हम लोग कर रहे हैं सर। सो मैसेज चल रहा है बहुत सारे सर, दिस डिजीज यू नो द पैटर्न इज चेंजिंग एंड इज नो मोर डिमोनिक। वर्ल्ड लीडिंग जर्नल्स लाइक न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन एंड लैंसेट सर, नाउ सर हैज बीन सम ऑब्जर्वेशन बट द व्हाट्सएप मैसेज ऑफ 50 ऑटोप्सीज इन शोज सर लैंसेट रीजन सर एंटीबॉडी डेवलप होती है। तो जिन लोगों को पॉजिटिव केस के रूप में हमने भर्ती किया, उनका हमने ट्रीटमेंट करके उनको नेगेटिव कर दिया, तो नेगेटिव तभी हुए वो जब उनमें एंटीबॉडी डेवलप हुआ, तो उनका जो ब्लड लेके और उसके प्लाज्मा से हम जो सीरियस नेचर के पेशेंट्स हैं उससे प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से उनको रिकवरी करने के लिए हमने आईसीएमआर को कहा था कि हमको परमिट करो। तो राजस्थान में एसएमएस हॉस्पिटल पहला अस्पताल बना जहां ट्रायल बेसिस पे दो पेशेंट्स पे प्लाज्मा थेरेपी को हमने ट्रायल बेसिस पे किया और उनकी रिकवरी हुई। अब हम इसको आज राजस्थान में प्लाज्मा थेरेपी को विधिवत रूप से हम गंभीर मरीजों के ऊपर ये लागू कर रहे हैं थेरेपी को, और राजस्थान देश में चौथा राज्य बनेगा, केरल मध्य प्रदेश और दिल्ली के बाद में चौथा राज्य बनेगा जहां प्लाज्मा थेरेपी से हम मरीजों को ठीक करेंगे।